हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे ECH T10 के बारे में। ECH जो T10 खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाला, वो खेला जाएगा सीरी ई पंजाब, उसके बाद खेला जाएगा क्रिकेट एकेडमी के बीच, और पंजाब जो क्रिकेट एकेडमी का बीच मुकाबला होगा वो होगा इंडियन समय अनुसार आज ही दोपहर को 12:30 बजे। आज ही दोपहर को 12:30 बजे जो मुकाबला होगा, इस मुकाबले में कौन सा टीम स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा टीम कमज़ोर होगा, साथ ही साथ विकेट कीपर में कौन सा बैट्समैन को रखे और कौन सा बॉलर को रखे, और कौन सा ऑलराउंडर को रखे और कौन सा ऑलराउंडर को विकेट मिल सकता है, साथ ही साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन सा ऑलराउंडर को रखें, ये सारा जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। विदाउट बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैं ए आरिफी जो है वो रिसेंट के 5 मुकाबले खेले हैं, 5 में खास प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन एक मुकाबले में लंबे स्कोर किए हैं, जिसके कारण इनका सिलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है। हर कोई इसे लेकर जाएगा अपनी टीम में, चाहे हेड टू हेड लीग खेलो या स्मॉल लीग खेलो, फिर भी अपनी टीम में इसे जरूर रखेगा। अब आते हैं दूसरा, एम सल्फ है, अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, कभी अच्छे स्कोर करेगा, कभी लो स्कोर करेगा, कभी डर का ड्यूलिक होगा। जो विकेट कीपर में से किसी एक के ट्रैक कीजिएगा, सेम टू सेम रिसेंट के फॉर्म के अनुसार रखेंगे तो ए आरिफ और थोड़ा रिक्सेबल लेना चाहेंगे एम साफी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा। अगर चाहें आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग, इन दोनों में से किसी को एक को ट्राई कर सकते हैं। पी जेरुअल जो है खास प्रदर्शन नहीं किया है, पहले लगातार फ्लॉप्स हुए हैं, 4 मुकाबले में 1 में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, जिसके कारण इनका 109 पॉइंट मिला है और ये अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है। इन 3 विकेट कीपर में से किसी एक को ट्राई करिएगा। अब आते हैं बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है वो है बैटिंग पिच गुड पर प्रेशर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 155 है। धेनु श्रीवन क्रिकेट ग्राउंड लवर ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। श्रीवन क्रिकेट ग्राउंड लवर जो ऑस्ट्रेलिया में होगा उनके बारे में बात करेंगे। अब एस धोनी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, कभी अच्छा स्कोर करेगा, कभी लो स्कोर करेगा, कभी ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, कभी नहीं करेगा, इसलिए इन्हें अपनी टीम में क्या कीजिएगा या खाया उम्मीद लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ए बेंगलोर अच्छा खासा है, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। के ग्रोपिया ठीक ठाक है, अच्छे खासे उम्मीद कर सकते हैं। बी गवाडा ठीक ठाक है, अच्छे खासे उम्मीद के साथ साथ अच्छे खासे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये 4 बैट्समैन में से किसी भी बैट्समैन को ट्रैक कर सकते हैं, 4 का रिकॉर्ड अच्छे हैं। अगर हेड टू हेड में लेना चाहते हैं तो इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर के रूम में हर्ष अप रहेगा, रिसेंट के फॉर्म काफ़ी अच्छे हैं। एच जाइडर है, ये पेसर है, रिसेंट के फॉर्म ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। अब उसके बाद देखिए हर्ष सिंह ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, ए वे ठीक ठाक है, स्पिनर है। एम मोहम्मद अच्छे खासे प्रदर्शन किया है, एस पेसर ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं। ये जितने 6 ओलंडर हैं, मैं आप लोगों को 7 ओलंडर दिखाए हैं। 7 ओलंडर में सेम टू सेम 3 ओलंडर अच्छे परफॉर्म करेगा, 3 ओलंडर यूनिक होगा, ताकि आप लोगों को अच्छे खासे टीम क्रिएट होकर अच्छे खासे टीम बना सकते हैं।
अब इनमें से किसी सात ओलंडर में से ट्राई करेंगे आप लोग अपने हिसाब से। मैं डेमो के लिए ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को साजेस्ट और बता दूंगा मैं अपने टीम में किसे रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, किस रीजन से रखता हूँ। ये काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, एक कोटल ठीक ठाक उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। जी सिंह अच्छा खासा है एंड एक्सल्टेड अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, अच्छे खासे उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन चार बॉलर में से किसी बॉलर को आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का संभावना और उम्मीद है। ये चार बॉलर है, चार बॉलर में से किसे रखना है, क्यों रखना है, किस रीजन से रखना है, मैं आपको साथ बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को विकेट कीपर में बता देते हैं, अगर आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा जीएल का सेफ टीम लगाते हैं तो इसे लीजिएगा, अगर थोड़ा रिक्सी लेना चाहते हैं तो इसे लीजिएगा। मैं सेफ टीम लगाना चाहता हूं इसलिए मैं ए एप्रेसिव लिया हूं। अब बैट्समैन में इम्पॉर्टेंट बैट्समैन के रूप में देखिए इम्पॉर्टेंट बैट्समैन के रूप में इसे लूँगा, ऐसे उन्हें हर कोई सलेक्शन परसेंट लो है और ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा। यहाँ पर वाइट रन ठीक ठाक किया है। इन दो बैट्समैन को लेने के बाद देखिए अब मैं ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसा भी अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं की ओर ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का उम्मीद और संभावना है। इसे एस सिंह को मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ, वह सिंह को रखता हूँ। इन्हें रखने के बाद देखिए अब यहाँ पर आप भी जानते हैं T10 का मतलब ही होता है, कभी सिर्फ अपने टीम को सेव रखिए और कैप्टन और वाइस कैप्टन ले लीजिएगा। इसे मैं ड्रॉप कर यहाँ पर एक प्लेयर को मैं अभी फिलहाल के लिए ले रहा हूँ। मैं 6 ऑलराउंडर लिया हूँ। अब मैं बॉलर सेक्शन में आता हूँ। बॉलर सेक्शन में एस पर अच्छा खासा रहेगा, ठीक ठाक उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। यहाँ पर एस अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है। मेरा 7-4 का कम्बिनेशन हुआ है, 7-4 में देखिए मैं नेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए हर कोई कैप्टन सेव कैप्टन के रूप में देगा, है सिंह को मैं कैप्टन दे रहा हूँ, लेकिन वाइस कैप्टन कुछ यूनिक और ट्राई करूँगा। देखिए हर कोई इसे देगा, मैं एस सिंह को कैप्टन दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, और वाइस कैप्टन इसे देगा तो मैं वाइस कैप्टन कुछ वाइस कैप्टन भी अलग ट्राई करूँगा। वह सिंह को वाइस कैप्टन कैप्टन के रूप में एस सिंह को दिया हूँ, सेव टीम करता हूँ। सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। फिलहाल के लिए मेरा टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों। ये मेरा जो है ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम है, अगर शेप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं।